गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सावन का महीना चल रहा है, सभी शिव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस बार जो श्रावण मास दो महीने का लगा हुआ है, एक शुद्ध श्रावण मास और एक अधिक श्रावण मास, इन दोनों मासों में भगवान शिव के पूजन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव का व्रत रख करके, सोमवार का व्रत रख करके उपवास पूर्वक भगवान शिव का अर्चन करता है, वह दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रताप प्रकार के संतापों से उसकी मुक्ति मिलती है। इसलिए कि कलयुग में भगवान शिव परम ब्रह्म निर्गुण सगुण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक अलख निरंजन ज्योति स्वरूप एवं उपाधि रहित हैं। भगवान शिव ही इस सृष्टि के ऐसे देवता हैं जिनके नाम के आगे महाशब्द लगा है, महादेव, देवों के देव महादेव। भगवान शिव का जो व्रत का विधान है, इस मास में 8 सोमवार का व्रत पड़ेगा और 8 सोमवार व्रत रहना चाहिए। भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनको दूध दही घृत मधु एवं चीनी से स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। भगवान को जो भी व्यक्ति श्रावण मास में बिल्व पत्र अर्पण करता है, उसको पूरा गर्भ में वास करना नहीं पड़ता है, अर्थात वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों को नष्ट करता है केवल श्रावण मास में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से। स्कंद पुराण में तो विशेषकर श्रावण महीने के महात्म्य के बारे में बताया गया है कि द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेति वल्लभः श्रवणाहं जन्महात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः। भगवान शिव कहते हैं कि मैं मासों में जो श्रावण मास है वो हमारे लिए बहुत प्रिय मास है, और इस मास में जो मेरा अर्चन और पूजन करता है वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के फल को प्राप्त करने वाला होता है। अगर जिस कामना से व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करता है वह उसकी कामना दूर होती है। श्रावण मास में एक समय भोजन करने का भी विधान है, जिसको अगर स्वस्थ है सामर्थ्य है वह नक्त व्रत रहे, इसलिए कि नक्त व्रत करने से भी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ मिलता है, अर्थात केवल रात्रि में ही भोजन करे, दिन में फलाहार ग्रहण करे तो उसको किसी भी प्रकार के साध्य असाध्य रोग की संभावना नहीं बनती है। श्रावणम म्रियते मासम एकम भक्तेन यः छिपेत तत् यत्र तत्राभिषेकेन युज्यते ज्ञातिवर्धनः। व्यक्ति की कुल की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, संतति की वृद्धि होती है। भगवान श्रावण मास में अगर एक समय भोजन करके व्रत का श्रावण मास में पालन किया जाए तो देवादिदेव महादेव का हर जगह पूजन अर्चन हो रहा है। हमारे यहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यम महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम पारल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्नाम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। इस जो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पाठ करता है
वो भी अक्षय फल की, उसको भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शिव मानस का भी, जिसको कोई मंत्र ना आता हो, वेद मंत्र भी ना हो याद हो या नहीं ज्ञान हो, केवल नमः शिवाय का व्यक्ति अगर रोज दो माला जप करता है तब भी उसके सभी प्रकार के उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस श्रावण मास में आप सभी शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि यथा योग्य भगवान शिव का पूजन और अर्चन करें। घर में भी रह के कर सकते हैं। जो लोगों के पास सुबह समय नहीं मिलता है अर्चन करने के लिए, वह सायंकाल भी कर सकता है। इसलिए कि भक्ति के लिए कहीं भी कोई मुहूर्त और काल की बाध्यता नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति कभी भी की जा सकती है। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेवा शरणम मम। धन्यवाद।